महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th SSC इंग्लिश मीडियम का, ये इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज यानी इंग्लिश कुमार भारती है। तो आज अपडेट है क्वेश्चन बैंक में, कल जो क्वेश्चन बैंक डाली हुई थी उसको आज चेंज किया है। आज क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक मतलब दो क्वेश्चन पेपर दिए हैं और 80 मार्क्स के लिए 3 आवर्स का पेपर है और इसमें दो सेट है और दोनों अल्टरनेट है, मतलब पूरा पेपर सेट नहीं है बल्कि जैसे सेक्शन 1 एक्टिविटी सेट 1 सेक्शन 1 तो इसके बाद ही जैसे डू एस डायरेक्टेड ग्रामर क्वेश्चन फर्स्ट ए क्वेश्चन 1 और इधर उसके बाद ही सेम एक्टिविटी सेट 2 का सेक्शन ए क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन 1। तो डू एस डायरेक्टेड का दो सेट है, उसके बाद फिर पैसेज का देख सकते हो सेट 1 सेक्शन 2 टेक्सुअल पैसेज और इसके बाद ही जैसे ये एंड होगा एक्टिविटी सेट 2 का सेम रहेगा एक्टिविटी सेट 2 सेक्शन 2। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि दो क्वेश्चन पेपर एक दूसरे में मतलब मिलाकर दिया हुआ है, दो क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। इसमें असल में दो एक्टिविटी सेट है, एक्टिविटी सेट 1 और एक्टिविटी सेट 2, ठीक है, 80 मार्क्स 80 मार्क्स, लेकिन दोनों को सेपरेट करके नहीं दिया है, दोनों साथ साथ है, यानी फर्स्ट एक्टिविटी सेट का फर्स्ट क्वेश्चन तो उसके बाद ही सेकेंड एक्टिविटी सेट का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर फर्स्ट एक्टिविटी सेट का सेकेंड क्वेश्चन तो उसके बाद ही सेकेंड एक्टिविटी सेट का सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, उसी तरह से फर्स्ट एक्टिविटी सेट का थर्ड क्वेश्चन उसके बाद ही सेकेंड एक्टिविटी सेट का थर्ड क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखो ये थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट एक्टिविटी सेट का और इसके बाद बिल्कुल बाद ही इसके साथ ही एक्टिविटी सेट का थर्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बैंक ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है, दोनों पेपर प्रैक्टिस के लिए भी कहा जा रहा है और इम्पॉर्टेंट है और इसमें सब कुछ है, राइटिंग स्किल है, ग्रामर है, तो ये दोनों पेपर प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन बैंक में दिया है और इतना सारा क्वेश्चन बैंक रिलीज़ हो रहा है, इट मींस टू अंडरस्टैंड कि इसके बाहर से आई डोंट होप सो आएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मेरी उम्मीदें कह रही हैं कि इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर के क्वेश्चन में अल्ट्रेशन में भी हो सकता है, सेंटेंसेस में थोड़ा बहुत चेंज होगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, हो सकता है ग्रामर, बट राइटिंग स्किल और पैसेज मुझे लग रहा है क्वेश्चन बैंक से ही आएगा। तो ये दो पेपर है और कल एक क्वेश्चन बैंक रिलीज़ हुई थी इम्पोर्टेंट लिस्ट वो, ठीक है। तो मिस मत करो, कर लो, प्रैक्टिस कर लो, दोनों पेपर्स 3-3 आवर्स के दोनों पेपर्स है। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो सारे इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड्स के साथ, ये वीडियो को शेयर करो और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से पूरा पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF से इसका ये पूरा PDF का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन बैंक का। थैंक यू।